भी जा रही है। 24 घंटे में 22,400 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं और इसी बीच लखनऊ का रिकॉर्ड भी 5,000 से ज्यादा। यूपी में लगातार कोरोना के बढ़ते मामले, यूपी में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे का आंकड़ा 22,439 नए केस सामने आए हैं और लखनऊ में रिकॉर्ड 5,183 नए केसेस का है। प्रयागराज में 1,888, वाराणसी में 1,859 केस हैं, कानपुर में 1,263 केस और गोरखपुर में 750 केस हैं। यूपी में कोरोना से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यूपी में बोर्ड परीक्षाएं भी स्थगित हो चुकी हैं। 15 मई तक 12वीं तक के स्कूल जो है वो बंद है और नाइट कर्फ्यू को लेकर भी सीएम ने कड़े निर्देश दिए हैं। इसी बीच ये आंकड़े भी लोगों को डराते हुए, लखनऊ का रिकॉर्ड जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, आंकड़े जगह जगह जिलेवार हम जो बता रहे हैं, इन आंकड़ों को देखते हुए क्या लगता है कि जो हाईकोर्ट का आदेश है लॉकडाउन का, वो जल्द हो सकता है यूपी में? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि सख्त कदम उठाए जाने बेहद जरूरी हैं, क्योंकि जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ लखनऊ के भैंसाकुंड धाम में, वहां पर जो तस्वीरें हैं वो बेहद डराने वाली हैं। और यहां पर लगातार जो डेड बॉडीज हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। हालांकि यहां पे कोविड और नॉन कोविड दो अलग अलग सेग्रीगेशन कर दिए गए हैं ताकि संक्रमण का खतरा कम हो जाए। और आप देखिए, ठीक है, ये मेरे पीछे जो ये है, ये डेड बॉडीज हैं जो लगातार आ रही हैं और रोजाना यहाँ पर 100 से ज्यादा अंतिम संस्कार हो रहा है, 100 से ज्यादा लोगों का क्रीमेशन किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती हैं और इनको देखते हुए जाहिर तौर पर कुछ सख्त कदम उठाए जाना चाहिए। हालांकि जहां पर 2000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं वहां पर फिलहाल वहां नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ अब हालात यहां तक हो चुके हैं कि पूरी तरीके से कम लॉकडाउन जैसे जो प्रोटोकॉल हैं उनको लागू किया जाए, तभी जा करके संक्रमण का खतरा कम होगा। क्योंकि बीते 24 घंटे में लगातार संक्रमण के मामले बढ़े हैं। तकरीबन 10 जिले ऐसे हैं जहां पर एक्टिव केसेस की संख्या अचानक से बढ़ गई है। तो इसलिए अब जरूरी हो गया है कि कड़े कदम उठाए जाएं। लॉकडाउन अगर सरकार नहीं लगा सकती तो लॉकडाउन की तरह कुछ कड़े कदम उठाए जाना बेहद जरूरी हो गया जी। है अभिषेक, आपने जो तस्वीरें हमें दिखाई वो शवों की कतारें हमने देखी और ये भी कहा जा रहा है कि 5 से 10 मिनट में शव पहुंच रहे हैं शमशान घाट में, यहाँ पर भैंसाकुंड में जहां पर आप हैं। देखिए, मेरे सामने ही कम से कम 25 डेड बॉडी इस वक्त रखी हुई हैं जो अपना इंतजार कर रही हैं कि उनका नंबर आएगा और उसके बाद उनका क्रिमेशन किया जाएगा। ठीक मेरे बाई तरफ जो कि जहां पर कोविड पेशेंट्स आ रहे हैं, जहां पर फिलहाल जाने पर पाबंदी लगा दी गई है सामान्य लोगों के, वहां पर लगातार धुआं उठ रहा है, लगातार डेड बॉडीज जल रही है। और जहां इस वक्त हम खड़े हैं, ये नॉन कोविड क्रिमेशन का एरिया है और यहां भी लगातार बॉडीज आ रही है। तकरीबन 60 से ज्यादा ओपन प्लेटफॉर्म है, मतलब ये भैंसाकुंड धाम के जिस ग्राउंड में हम खड़े हैं 60 से ज्यादा ओपन प्लेटफॉर्म है और सभी पर इस वक्त डेड बॉडीज रखी हुई हैं। 20 से ज्यादा डेड बॉडीज यहां पर अभी फिलहाल इंतजार कर रही हैं। तो तस्वीरें बेहद भयावह हैं, बहुत डराने वाली हैं। अमूमन इस यहां पर सामान्य दिनों में इतनी ज्यादा मौतों और इतनी ज्यादा डेड बॉडीज के आने का सिलसिला नहीं होता है, लेकिन बीते एक हफ्ते से लगातार यहां पर दिन रात यहां पर चिताएं जल रही हैं। ये एक एक, एक जाहिर तौर पर बहुत डराने वाली बात है। अभिषेक, हमारे साथ सीमा भी जुड़ चुके हैं जो कि कंट्रोल सेंटर के बाहर है जहां से हर एक चीज की मॉनिटरिंग बराबर की जा रही है। लेकिन सीमा, मॉनिटरिंग तो हो रही है, मॉनिटरिंग के बाद का ये आंकड़े दिख रहे हैं सरकार को और प्रशासन को कि कैसे डेड बॉडी सामने आ रही है, क्या तस्वीर है भैंसाकुंड की, अस्पतालों की क्या तस्वीरें हैं, सड़कों की क्या तस्वीरें हैं? देखिए, यहाँ कमांड सेंटर तो बना दिया गया है लेकिन यहाँ पर कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है। सुबह से रात तक यहाँ अपने मरीजों को भर्ती कराने के लिए लोग रात भर बैठे रहते हैं, लाइन लगाए रहते हैं, लेकिन ना तो सीएमओ सुनने को तैयार हैं और ना ही अस्पतालों में जगह है। ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की नाकामी को उजागर करती है। अभी दो लोग जो है वो यहाँ पे बैठे हुए थे, एक परसों से चक्कर काट रहे थे, एक मरीज के परिजन, और एक 24 घंटे से महिला यहाँ पे बैठी हुई थी, उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है। तमाम अधिकारी यहीं से आ जा रहे हैं, चाहे कमिश्नर हो, चाहे सीएमओ हो, चाहे एसीएमओ हो, कोविड कमांड सेंटर में जितने भी अधिकारी हैं वो इसी दरवाजे से आ जा रहे हैं और तब आश्वासन दे रहे थे कि नहीं, तुम लोगों को भर्ती करा दिया जाएगा तुम्हारे परिजनों को, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं करा जा पा रहा है। भर्ती सिर्फ वही लोग हो पा रहे हैं जिनके अप्रोच है या जो लोग जो है वो किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखते हैं। गरीब मर रहा है,
ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन जो है वो ब्लैक में बेची जा रही है। 250 रुपए का सिलेंडर अब 10,000 का बिक रहा है। फैजाबाद और कानपुर से लोग ऑक्सीजन लेने के लिए आ रहे हैं, जो लोग घर में आइसोलेट है उनको भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, वो ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प के दम तोड़ रहे हैं। तो यानी लखनऊ में मौत का बाजार गर्म है, चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई पड़ रही हैं, कई डॉक्टर भी संक्रमित हैं और कई जो है वो नेता भी संक्रमित हैं, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य महकमा अपनी सुस्त चाल चलने से बाज नहीं आ रहा है। यहाँ तमाम अस्पताल ऐसे हैं जिनको जो है वो कोविड अस्पताल नहीं बनाया गया है, वहाँ पर लोगों को नहीं भेजा जा रहा है। तो इस तरह के भी हालात यहाँ पर बने हुए हैं और तमाम लोग जो है वो फरियाद कर रहे हैं कि हमारे मरीज को भर्ती करा दो, हमारे मरीज के लिए ऑक्सीजन दिला दो, लेकिन सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। बद इंतजामिया भरपूर है यहाँ लखनऊ में और लाशों की जो चिताएं हैं वो तमाम जल रही हैं, चिताओं में कोई कमी नहीं है। चिताओं को लेकर नगर निगम पूरी तरह से अलर्ट है और 50-50 चिताएं पहले से तैयार कर दी जाती हैं कि जाइए और सीधे लटाल दीजिए और दाह संस्कार कर दीजिए। अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन के लिए वेंटिलेटर के लिए इन लोगों के पास फिलहाल कोई भी व्यवस्था नहीं हो पा रही। शिवांगी सीमा बिल्कुल देखिए, यहाँ पर आप शमशान घाटों पर तैयारी कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म बना दिए गए हैं ताकि वहां पर दिक्कत ना हो, लेकिन लोगों को दिक्कत कोरोना से ही ना हो इसको लेकर क्या इंतजाम मेरठ में है नरेंद्र, वहां पर कैसे इंतजाम है लोगों को बचाने के लिए कि या सिर्फ वहां पर भी शमशान घाटों पर ही व्यवस्थाएं हैं? देखिए जो स्थिति लखनऊ में है उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। कल 8 मौतें मेरठ के मेडिकल कॉलेज में हुई है, जिनमें से 4 अलग अलग जिलों की थी और 4 जो थी वो मेरठ की थी, और 595 केसेज आए हैं नए। समझा जा सकता है कि कोई इलाका नहीं छूटा है जिले का जहां पर अब कोविड पॉजिटिव ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो एक चेन तोड़ने की प्रक्रिया है उसकी कहीं पर कोई पहल नहीं हो रही है। मैं खुद ऐसे दौर से गुजर रहा हूँ कि जहाँ पर मेरी सोसाइटी में एक नया कोविड पॉजिटिव कल आया, लेकिन ना तो कोई सैनिटाइजेशन के लिए आया और ना ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए वहाँ पर सैंपल लिए गए हैं। तो इस तरह की हालात जो हैं वो पूरे जिले में है। स्वास्थ्य महकमा जो है, जो लोग स्वेच्छा से अलग अलग जगहों पर आ रहे हैं, यहाँ पर जहाँ पर सेंटर चल रहे हैं कोविड टेस्टिंग के, केवल वहीं तक सीमित है। इसके अलावा वैक्सीनेशन में लगा हुआ है, मैन पावर कम है और काम सरकार ने बहुत ज़्यादा दे दिया है। अब ऐसे हालात में जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो नहीं हो पा रही, रात को जो नए केसेज आए हैं उनका ऐलान भी 12:10 को यानी आधी रात के बाद किया गया है। समझा जा सकता है कि स्वास्थ्य महकमा किन हालात में काम कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं होगी, सैंपलिंग नहीं होगी, तो फिर इस चेन को तोड़ा कैसे जाएगा? लोग बराबर संक्रमित होते रहेंगे और जो कल का आंकड़ा 595 है ये लगातार बढ़ता जाएगा। कल और परसों के बीच में ये जो उछाल आया है ये 60% से भी ज्यादा का उछाल है। समझा जा सकता है कि कितने गंभीर हालात अब मेरठ में हो गए हैं। और ऐसी स्थिति अगल बगल के जितने भी जिले हैं, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, बागपत हो, बुलंदशहर हो, सहारनपुर हो, सब जगह ऐसी स्थिति है। 200 और 200 से ज़्यादा केसेस वहाँ पर आ रहे हैं और लगातार मौतें हो रही हैं। लेकिन सड़कों पर आप देखिए, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ कोई मूवमेंट जैसे आम दिनों में रहता था उसी तरह का मूवमेंट है, कोई असर नहीं है। नरेंद्र आप जो ये तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, स्थिति स्वास्थ्य महकमा और जिला प्रशासन के उनके ऊपर भी कोई असर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र, देखिए इन तस्वीरों से दिख रहा है हमें कि लोगों के ऊपर कितनी सख्ती है। अब रोहित का रुख कर लेते हैं, वाराणसी की क्या तस्वीर है रोहित, वहां पर भी क्या मेरठ जैसा ही हाल है? न सड़कों पर कोई भी यहाँ पर पुलिस कर्मी उतना अलर्ट या सतर्क दिखता हो जो लोगों को समझाए और बुझाए, कहे कि आप घरों में रहिए, ना वो सख्ती है पिछले साल की तरह मेरठ में हमने देखी, लखनऊ में देखी। इसी के साथ क्या वाराणसी के भी यही हालात बने हुए हैं? देखिए सारे प्रदेश की स्थिति वही है और कस्बों का सभी, जैसा मेरठ के बारे में नरेंद्र जी ने बताया वही स्थिति वाराणसी में है, हालात वही है, शहर के नाम बस केवल अलग अलग है। प्रशासनिक यदि तैयारियों की बात करें तो प्रशासनिक अमले के पास जो अपनी पुरानी तैयारियां हैं उसी पे चल रहे हैं, ऐसा कोई अपग्रेड नहीं किया गया है। साल भर से देखते हुए निश्चित रूप से दिक्कत बढ़ रही है, तो तैयारी पूरी तरीके से मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए थी, ये जानते हुए कि ये रोग अभी तक का नहीं है, अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, यानी एक आकलन करना चाहिए
स्वास्थ्य विभाग को, जिला प्रशासन को या प्रदेश स्तर से की बीमारी बढ़ सकती है, तो ऐसी कोई तैयारी चूंकि नहीं की गई। जब थोड़ा लॉकडाउन हटा तो ऑटो मोड में प्रशासन ने भी, चाहे केंद्र सरकार की हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे जिला प्रशासन हो, सबने मान लिया कि अब कोविड तो गया, अब फिर से लोग बड़े मस्ती से अपने पुराने अंदाज में आ गए और जिसका परिणाम है कि संक्रमण लगातार बढ़ता गया, लोगों ने नजरअंदाज किया, न सिर्फ आम पब्लिक बल्कि प्रशासनिक अमले ने, यानी सबकी कहा जाए तो मिली जुली सबकी साझेदारी है। हम प्रशासन को तो कहीं ना कहीं गलती दे रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जिम्मेवारी, कहीं ज्यादा गलती हमारी, यानी हम आम पब्लिक की है। रोहित देखिए, अलर्ट बार बार सरकार करती, लेकिन अवेयर होना जनता का काम होता है। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक देखिए, जो आप चिताओं को जलता देख रहे हैं, इन्हें तभी रोक पाएंगे जब उस चेन को रोका जाए, तोड़ा जाए, जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावी है कोरोना पर, यानी कि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। तो इसकी व्यवस्था क्यों अभी तक नहीं हो पा रही है सही तरीके से? देखिए, इसकी व्यवस्था इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि प्रशासन के पास जो कार्यशैली होनी चाहिए, जो कार्य क्षमता होनी चाहिए, वो दिखाई नहीं दे रही है। कल ही लखनऊ जिला प्रशासन ने कोविड कंट्रोल रूम में कुछ अधिकारियों की तैनाती की है, कुछ नए डेडिकेटेड नंबर्स को अलॉट किया है, बावजूद उसके आप फोन मिलाते रहिए, आपका फोन नहीं मिलेगा और आपको मदद नहीं मिलेगी। साथ ही साथ हमने इससे पहले देखा था, जब इससे पहले पिछले साल जो कोरोना के मामले सामने आए थे, तो बाकायदा कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग होती थी, फोन आया करता था कोविड कंट्रोल रूम से, 25 लोगों का एक कोविड पेशेंट पे सैंपलिंग होती थी, बार बार फोन आता था, मॉनिटरिंग होती थी। लेकिन इस बार ये सारी व्यवस्था धराशायी हुई है। कोविड कंट्रोल रूम में अभी सीमा ने खुद बाहर का नजारा दिखाया कि लोग 24 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। आप कंट्रोल रूम के नंबर पे आप फोन करते रह जाइए, आप बताते रह जाइए कि मैं कोविड पेशेंट हूं, मुझे आइसोलेशन की जरूरत है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो लखनऊ जिला प्रशासन, लखनऊ के जिलाधिकारी और लखनऊ के वो सारे अधिकारी जो इस कोविड कंट्रोल रूम के कार्य में जुटे हुए हैं, जो इस कोरोना के कार्य में जुटे हुए हैं, सभी की कार्य क्षमता पर सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों नहीं टेलीफोन नंबर्स बढ़ाए जाए, क्यों नहीं ऑपरेटर्स बढ़ाए गए, क्यों नहीं कोविड कंट्रोल रूम की क्षमता बढ़ाई जा रही है ताकि लोगों तक मदद पहुंच सके। बिल्कुल अभिषेक, देखिए अब कानपुर से भी हमारे संवाददाता विवेक भी जुड़ चुके हैं। विवेक का भी एक बार रुक कर लेते हैं। विवेक, आप तो फुल प्रोटेक्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां की जनता को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि वहां पर भी तो आंकड़े दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। देखिए शिवांगी, जो कोरोना का कहर है वो पूरी तरह से बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से लखनऊ के हालात हैं, धीरे धीरे कानपुर के हालात भी वहीं पे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रशासन की पूरी तरह से लापरवाही देखने को मिल रही है कि निरीक्षण के दौरान यहाँ पर अधिकारी निरीक्षण करने निकलते हैं, जितनी देर निरीक्षण होता है उतनी देर वहाँ पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है, लेकिन उनके हटते ही वहाँ पर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि कोरोना के कहर की, तो यहाँ पर जिस तरह से प्रशासन ने साल भर पहले व्यवस्थाएँ कराई थी, यहां पर कई केंद्र बनाए गए थे, जैसे नारायणा हो, हाईलाइट हो, उर्सला हो, काशीराम हो, तो वहां पर धीरे धीरे ये सारी व्यवस्थाएं इस तरह से खत्म कर दी गई थी जिस तरह से कोरोना यहां से गायब हो गया हो। लेकिन हालात फिर बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर वो सुचारू रूप से जो व्यवस्थाएं चल रही थी वो चलती होती, तो कहीं ना कहीं जो ये यहां पर जिस मोड़ पर आकर फिर से खड़े हो गए, शायद यहां पर ना खड़े होते। यहां पर कुछ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर लखनऊ की तर्ज पर कुछ व्यापारी हैं जिन्होंने दुकान तो यहां पर नहीं बंद करी है, लेकिन यहां पर जो है बैरिकेडिंग लगा दी है, रस्सियों से अपनी दुकान को कवर्ड कर दिया है, और यहाँ पर जो कस्टमर आ रहे हैं उनको दूर से यहाँ पर सामान दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। अगर यहाँ पर लोग जागरूक नहीं होते हैं तो हालात वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि अब जो लोग पलायन कर रहे हैं, जो जैसे रेलवे स्टेशन पर या बस अड्डों पर देखा जा सकता है कि जैसे जैसे लोग अपने अपने घरों की तरफ भाग रहे हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगने की जो है उम्मीदें पूरी तरह से दिख रही हैं कि अब लॉकडाउन लगने वाला है। तो जिस तरह से पहले लोग जो है 100-200 किलोमीटर 400 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे थे, उससे परेशानी, उस तरह की परेशानी सामने ना आए, तो लोग अभी से पलायन करने लगे हैं क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं लॉकडाउन का डर सता रहा है। शिवांगी बिल्कुल विवेक, और देखिए सीमाप का भी रुख कर रहे थे। सीमाप देखिए, कंट्रोल रूम बनाया इसलिए गया है ताकि वहां से बराबर पूरे उत्तर प्रदेश के जो हालात उनको हम देख सके। पिछले साल तो सब कुछ नया था, लेकिन अब तो सब जानते हैं कि कैसा ये वायरस है, कैसे अटैक करता है, कैसे इसे रोकना है, तो उसके बाद ही हिलावाली हो रही है, और सीएम के कड़े निर्देश होने के बावजूद वो भी।
देखिए पिछली बार जब कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया था तो यहाँ से अगर कोई पॉजिटिव होता था उसको दिन में 10 बार फोन जाते थे और पूछा जाता था कि कैसी तबीयत है, सांस तो नहीं उखड़ रही, सांस तो नहीं फूल रही, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है। और आज के हालात ये हैं कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव आ जाता उसको दोबारा पूछने वाला कोई नहीं है, जाओ घूमो कोविड कोरोना फैलाओ ये वाली स्थिति है। उस पे ना तो कोई निगाह रखने वाला है और ना उसको कोई दवाई पूछने वाला है और ना ये उसको कोई कहने वाला है कि आइसोलेट हो जाइए, उसकी मर्जी है। खुद से आइसोलेट हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर वो अपने घर पे रहे, बाहर रहे, बाजार में रहे, उससे कोई मतलब नहीं है किसी को। और दूसरी बात ये है कि कोविड कमांड सेंटर में रोजाना फोन नंबर बढ़ाए जा रहे हैं, अधिकारी बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि जब इतने सारे अधिकारी हैं, इतने सारे फोन नंबर हैं, तो ये सारे के सारे कहाँ बिजी रहते हैं, ये किसी का फोन क्यों नहीं उठता है, किसी की मदद क्यों नहीं हो पाती है। पूरी ताकत के साथ मीडिया इस बात को दिखा रही है कि लोगों की मदद नहीं हो रही है, लोग घरों में तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और अगर कोई भर्ती होना चाहता है तो उसको भर्ती नहीं किया जा रहा है, लोग अपने परिजनों को आंखों के सामने मरता हुआ देख रहे हैं। ऐसे में चाहे ये जितने फोन नंबर बढ़ा दे इसका कोई मतलब नहीं है, जब तक लोगों को मदद न मिले, लोगों को अस्पताल न मिले, लोगों को ऑक्सीजन न मिले, तो ये सारी चीजें बेमानी साबित हो रही हैं। और जाहिर है कि कितना बड़ा कमांड सेंटर बनाया गया है, सुबह से शाम तक सैकड़ों अधिकारी यहाँ पर आते हैं, बावजूद इसके कोविड कमांड सेंटर के बाहर जो लोग खड़े रहते हैं अपने परिजनों को भर्ती कराने के लिए, उनसे बात करने वाला कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना है और इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं वो कहीं ना कहीं नाकाफी हैं और बद से बदतर होते जा रहा है। शिवांगी, लखनऊ के लोगों को अब खुद समझना होगा कि इसके तरह के हालात से कैसे निपटे और कोरोना से कैसे बचा जाए। बिल्कुल सिवान, देखिए अमला जमला जितना बड़ा तैयार कर दिया गया है कोविड से निपटने के लिए वो तो पूरी तरीके से धराशायी होता दिख रहा है। नरेंद्र, वहां का प्रशासन भी सिर्फ चुप्पी साधे हुए एक्शन में क्यों नहीं आते हैं? अगर सीएम आइसोलेट हैं तो अधिकारी क्या कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या वहां पर तय होती है? देखिए सारी जिम्मेवारी जो है वो थोप दी जाती है पुलिस के ऊपर, लेकिन जो पुलिस की शक्तियां हैं वो सीमित हैं और वो केवल चीजों को इम्प्लीमेंट करा सकती है, लेकिन जो काम नगर निगम का है सैनिटाइजेशन का, जो काम स्वास्थ्य विभाग का है सैंपलिंग करने का, जो काम जिला प्रशासन का है, मजिस्ट्रेट वहां पर जाए, व्यवस्थाओं को देखे और ये देखे कि जो कोविड पॉजिटिव हुआ वो आइसोलेट है या नहीं है, और अगर है भी तो किस हाल में है, उसको दवा की जरूरत है, खाने की जरूरत है, किस तरह का पूरे इलाके में माहौल है जहाँ जहाँ कोविड पॉजिटिव मिल रहे हैं, ये सब देखने वाला कोई नहीं। एक तरीके से सबके सब आंखें मूंदे हैं, सुबह से शाम तक डीएम कमिश्नर मिलकर सब मीटिंग करते रहते हैं, सीएमओ भी मीटिंग करते रहते हैं, मुख्यमंत्री की बीसी चलती रहती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अब कोविड पॉजिटिव अगर कहीं पर आ रहा है तो उसकी सोसाइटी में, उसके मोहल्ले में, उसकी गली के लोगों को अब बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि उस घर में जो लोग लगातार मूवमेंट करते हैं वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जाकर संक्रमित होने के बाद कोरोना फैला रहे हैं, उनको खुद तब पता चलता है जब वो बेड पर आ जाते हैं, जब वो बीमार हो जाते हैं, उनको बुखार खांसी हो जाती है। तो जब तक ये चेन नहीं टूटेगी तब तक कोरोना का संक्रमण रुकने वाला नहीं है। यही वजह है कि बीते 24 घंटे में जो कोरोना के मरीजों में उछाल आया है वो 60% से ज्यादा है, और इतना बड़ा उछाल ये इशारा कर रहा है कि आगे आने वाले दिनों में बड़े भयावह हालात मेरठ में होने वाले हैं। अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि सब जगह एडमिशन हो जाएगा, भर्ती कर लिए जाएंगे, अस्पताल में अभी बेड है, नरेंद्र कुछ हो नहीं रहा है ना, सिर्फ कहा जा रहा है, हम देख रहे हैं लगातार, आप भी वही तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं कि लोगों का क्या हाल है। अभिषेक, हम क्या समझे अब इन हालातों को देखते हुए कि सरकार से तो कुछ नहीं होगा, प्रशासन से तो कुछ नहीं होगा, जनता को ही सोचना होगा कि वो कैसे अपनी सुरक्षा करे, क्योंकि सीमाप भी यही कह रहे हैं कि अब लखनऊ के लोगों को और यूपी के लोगों को खुद समझना होगा, देश को खुद समझना होगा। देखिए कुछ बहुत सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, या तो आप खुद से लॉकडाउन में चले जाइए या फिर सरकार से ये उम्मीद कीजिए, जो कि होने नहीं जा रहा है कि लॉकडाउन लगाए।
क्योंकि आप देखिए पंचायत के चुनाव चल रहे हैं और लॉकडाउन के हालात एक बार देख चुके हैं कि सरकार की वित्तीय स्थिति टूट जाती है, तो लोगों को खुद से अपनी सुरक्षा करनी होगी। ये बात बिल्कुल 100% तय है कि लोगों को अपने घर में रह करके अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, क्योंकि कोई ऐसा घंटा नहीं जा रहा है जब किसी के मौत की, अपने के मौत की खबर नहीं आ रही हो। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि घर में रहना होगा और सरकार को 100% वैक्सीनेशन का एक ऐसा रास्ता अख्तियार करना होगा कि हर घर में जाकर के लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, लोग घर में रहें, उनको वैक्सीन मिले, उनको दवाई मिले, लोग सुरक्षित रहें। क्योंकि अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना करके लोगों को अस्पताल में आइसोलेशन में डाल करके फिलहाल ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पता ही नहीं चल पा रहा है, सरकार के पास वो ऐसे संसाधन ही नहीं है कि वो पता कर पाए कि कौन कोविड पॉजिटिव है, उसने कितने और लोगों को संक्रमित किया है और उसको कहां पे इलाज दिया जाएगा। बिल्कुल अभिषेक, देखिए इससे अच्छी तो व्यवस्था हम कह सकते एक तरीके से पिछले साल थी, कम से कम कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पर गौर था सरकार का, किस तरीके से लोगों को रोकना है, पुलिस जगह जगह खड़ी थी, सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी, आज तो कुछ भी ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे। कानपुर चलेंगे विवेक के पास। विवेक, क्या वहां पर जो लोग हैं उनकी भी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग राम भरोसे ही चल रही है या फिर वाकई वहां पर इंतजाम है? शिवांगी, कल भारत समाचार ने एक तस्वीर दिखाई कि यहाँ का जो काशीराम हॉस्पिटल है, यहाँ पर एक बेटी अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए दर दर भटक रही है और एक बेटा अपने माँ बाप दोनों को जिंदा करने के लिए यहाँ पर जो है पूरे प्रयास कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो काशीराम में 115 बेड थे वो पूरी तरह से फुल थे। यहाँ के सीएमओ से बात करी गई, उन लोगों ने 108 नंबर पर लगभग 4 घंटे कॉल करी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर यहाँ पर बेड नहीं है तो कोई इस तरह की व्यवस्था करा दी जाए कि जमीन पर लिटा कर ही उपचार चालू कर दिया जाए, लेकिन उनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आखिरकार उनका कहना है कि प्रशासन जो लाख बड़े बड़े दावे करता है, क्या उसके पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि लोगों को वहां पर जमीन पर लिटा के उसका इलाज किया जा सके? तो उन लोगों के सामने कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि किस तरह से वो अपने माँ बाप की जीवन की रक्षा कर सके। तो ऐसी ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर जिस जो पहले लॉकडाउन लगा था उसमें कहीं ना कहीं कुछ तस्वीरें निकल के इस तरीके से आ रही थी कि जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल रहे थे उनको रेड जोन घोषित कर दिया जा रहा था, वहां पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस की व्यवस्थाएं कराई जा रही थी। कोई सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का तमाम जानकारियों के लिए फिलहाल। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर देहात में तेजी से बढ़ रहे